जय भारत एवरीवन, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग ई टेक्नो ज्ञानी। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, तो टेक्नो ज्ञानी की जगह ई टेक्नो ज्ञानी को याद रखिएगा, ठीक है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पाइथन को जब आप इंट्रोड्यूस किया था मैंने, तो इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना भूल गया था। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन्हीं में से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बच्चों, आपने यदि एक कर डाला तो पाइथन फ्यूचर्स में आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है बच्चों। सो लेट्स बिगिन। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स हु ऑपरेंड द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। भैया डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हम, पाइथन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हो तुम लोग। सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमैटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन। यहाँ पे जैसे मैंने एक ऑपरेशन, एक ऑपरेट का यूज करके दिया है, 2 + 3, तो प्लस यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ठीक है। एंड 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड है। ये ऑपरेशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था। दो लोगों के बीच में जब ऑपरेशन होगा, मतलब 2 यहाँ पे 1 है एंड 3 आपका सेकेंड है, तो दो लोगों के बीच में जब भी ऑपरेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक है। तो हु ऑपरेंड द ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेटर। बहुत इजी है ना, तो आपको ये बन गया होगा, डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो आप जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। सो सबसे पहला हमारा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपने नहीं पढ़ा होगा, 9th क्लास के बच्चों ने, 10th क्लास के बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मॉड्यूल्स का मेन काम है रिमाइंडर फाइंड आउट करना, ठीक है। ये देखिए रिमाइंडर क्या होता है, तो किसी भी नंबर को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू रिमाइंडर बचती है, मतलब आपस में जब डिवाइड नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचेगा, हिंदी में शेषफल कहते हैं। तो जो वैल्यू बचती है उसको अपन रिमाइंडर बोल देते हैं। सो नॉर्मली अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, एंड आपको मैंने स्क्रीन के थ्रू भी शो कर पा रहा हूँगा कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है बच्चों। सो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड यदि बच्चों बन रहा है तो एक लाइक तो प्लीज़ कर दो। नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। जो पहले जो हमने जो वैल्यू देखी थी वो नॉर्मल ऑपरेशन था, अर्थमेटिकल ऑपरेशन था। यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन करने वाले। लॉजिकल मतलब वैल्यू को फाइंड आउट करना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर ऑपरेशन। और इसको कौन परफॉर्म करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं, उसको यूज़ करना है। लास्ट ईयर मैंने बहुत टाइम में पेपर पे दिया हुआ था, 10th क्लास के बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसे। लेकिन आज फिर आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। और मैंने सभी के एग्जाम्पल शो भी कर रहा हूँ। सो आपको उसको अपने कंप्यूटर में करना भी, स्क्रीन शॉट मेरे साथ शेयर करना है, ओके। चलो नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये एंड और नॉट क्या है इसको समझते हैं। वैसे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। देखिए यदि मैं आपको एक छोटा सा ऑपरेशन करने को बोलूँ, काम करने को, ऑपरेशन मतलब काम, कंप्यूटर में उसको ऑपरेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। कोई टास्क देता हूँ, खाना भी लाओ और पानी भी लाओ, तो मतलब आपको दो काम करने हैं, खाना और पानी दोनों लेके आना है। और जब दोनों करोगे तभी आपको वैल्यू मिलेगा कि हाँ दोनों काम आपने बहुत अच्छे से किया। तो जब अच्छे से किया मतलब दोनों में वैल्यू ट्रू होगी। एंड यदि आपने एक भी काम कंप्लीट नहीं किया तो डांट पड़ जाएगी, तो मतलब वहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एंड में आपके दोनों ऑपरेशन ट्रू होने चाहिए तभी आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू, अदरवाइज तीनों कंडीशन में वो क्या रहेगा, फॉल्स। और में क्या है, कोई भी एक ट्रू हो गया मतलब आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। और दोनों फॉल्स हो गए तो दोनों फॉल्स होगा। अब दोनों क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नंबर तो दोनों के कटेंगे ना। नाउ नॉट, तो नॉट क्या करता है, हमेशा उल्टा कर देता है। लाइक ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा।
अभी जीरो को वन और वन को जीरो नहीं करता है, ठीक है, टू को थ्री, थ्री को फोर, ऐसा नहीं करता है। ट्रू को फॉल्स, मतलब जो सही है उसको गलत कर देगा, जो गलत है तो सही कर देगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट में बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ये खूब परेशान करेगा अभी आपको। सर ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? तो ध्यान रखिए, अभी तक आपने जितने भी ऑपरेटर देखे हैं वो डेसिमल वैल्यू में वर्क करता था, ठीक है, एंड ये जो बिटवाइज है ना बाइनरी पे वर्क करता है। देखिए आप वैल्यू कोई भी असाइन करिए, आप एज कॉल टू 5 कीजिए, बीच कॉल टू 6 कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा बाइनरी पे और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो बिटवाइज एंड क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होता है, एक्स और क्या होता है, ये तीन है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट और बिटवाइज एक्स और। तो इन चारों के बारे में यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर का एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली आज मेरे को ऑपरेटर्स पढ़ाना था तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बिटवाइज एंड करेगा, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ठीक है, टिल साइन है, इसको बच्चे नेगेटिव साइन नहीं ले लीजिए, ये टिल साइन है, ओके, बिटवाइज नॉट पे एंड एक्सऑर, तो ये चार ऑपरेशन है। देन इसके बाद राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, तो ये राइट शिफ्ट एल शिफ्ट क्या करता है, देखिए यहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन x में कोई वैल्यू थी 10, तो 10 को ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म पे और राइट साइड में उसको टू स्टेप में जंप कर देगा, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं इसको मैं समझाता हूँ कि सपोज दैट कोई बाइनरी नंबर था 10 एंड हमने इसको राइट साइड में टू वैल्यू शिफ्ट कर दी है, तो हर वैल्यू को आपस में दो स्टेप में जंप करवा दो। तो इसको तो सबसे पहले 8 के फॉर्म में लिख लो, तो ये अभी कितने में है, 5 में है, तो 1 2 3, तो इसको 2 2 शिफ्ट ऐसे, और ये बेचारा चला जाएगा ऐसे, समझ में आ गया ना। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। तो बहुत ही इजी है, आपको यदि इनके बारे में पढ़ना है, इन चार ऑपरेटर्स के बारे पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कि सर ये बिटवाइज के जो ऑपरेशन है वो हमें बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, जितना पढ़ोगे उतने ही फायदे में रहोगे, वो आधार कार्ड वाला ऐड है। नाउ नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो किसने तरह से हम वैल्यू को असाइन करते हैं, ध्यान रखिए बच्चों। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है, और इसमें डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है असाइन करता है एंड ये जो है इक्वल टू है। सर ये क्या बात कर रहे हो, ये कंपेयर करता है कि वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं एंड ये वैल्यू को असाइन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कितने तरह से हम असाइन कर सकते हैं वैल्यू को, ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले तो असाइनमेंट, प्लस असाइनमेंट क्या करता है, वैल्यू ऐड करके वैल्यू असाइन कर देता है। माइनस असाइन क्या करता है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू असाइन कर देगा। मल्टी इक्वल टू क्या करेगा, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये किस तरह से वर्क करता है इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आप शो है। प्रिंट एक्स प्लस इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा बच्चों, जो भी एक्स में वैल्यू है, लाइक एक्स में वैल्यू है 10, ठीक है, तो जो भी एक्स में वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करेगा एंड आपको आउटपुट पे शो कर देगा वैल्यू क्या, 10 प्लस 5 इक्वल, ठीक है। तो आपको आउटपुट इस तरह से असाइन करता है, तो बहुत ईजी है। वन लाइन में यदि आपको ऑपरेशन भी करना है, वैल्यू भी असाइन करना है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास ऑपरेटर्स है उसके पीछे मैंने इक्वल टू लगा दिया है और बाकी वैल्यू वैसे ही लगा दी है, ठीक है। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर एंड जरा सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। नाउ स्पेशल ऑपरेटर, तो स्पेशल ऑपरेटर इज और इज नॉट, इज ट्रू और इज नॉट ट्रू, सीधी सी बात है, जैसा कि शो हो रहा है वैल्यू को चेक करता है कि ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। सपोज दैट मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग का नाम मैंने दिया टेक्नोज्ञानी या फिर अपना नाम शिवम,
तो मैं उसमें जाकर चेक करूंगा कि उसमें आई अवेलेबल है, क्या उसमें ए अवेलेबल है। यदि अवेलेबल होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू, और यदि अवेलेबल नहीं होगा तो आउटपुट में मिलेगा नॉट ट्रू, जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड बच्चों प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और एक्सरसाइज करना ना भूलिए, ठीक है। घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूँ। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, जय भारत।